हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्रैवल डायरी बाय डॉक्टर राकेश जोशी चैनल। इस बार हम जा रहे हैं गोवा एंड ये ट्रिप बहुत स्पेशल है बिकॉज ये ट्रिप है मेरा और मेरे सन राहिल का। सो हम लोग पहुंचे नोवाटेल डोना सिल्विया रिजॉर्ट जो कि साउथ गोवा में एस्टैब्लिश्ड है। ये एक बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट है। यहाँ हम सबसे पहले रिसेप्शन एरिया में पहुँचे और हमने चेक इन किया। यू कैन सी द एम्बियंस, बहुत ही ओपन एरिया है और बहुत ही खुशगवार माहौल है यहाँ के रिसेप्शन एरिया का भी। और यहाँ रिसेप्शन को क्रॉस करते ही आप पहुँचते हैं स्विमिंग पूल एरिया में। बहुत ही बड़ा, नीट एंड क्लीन, वेल मेंटेन्ड स्विमिंग पूल है। और इसके बाद शुरू हो जाता है रेजिडेंस एरिया और फिर हम पहुँचे अपने रूम में। ये था हमारे रूम का व्यू। हमारे रूम से बिकॉज ये फर्स्ट फ्लोर पे था तो बहुत ही अच्छा व्यू था सामने सारे रिजॉर्ट का। दिस इज़ आउटसाइड आर रूम एंड आप देख सकते हैं कि कितनी ग्रीनरी है और कितना ओपन स्पेस है। एंड दिस इज़ द वे टू बीच। जी हाँ, ये रिजॉर्ट केवलोसम बीच पे स्थित है और आप अपने रिजॉर्ट से ही सीधा बीच में जा सकते हैं बिना रिजॉर्ट से बाहर गए। और रास्ते में पड़ता है ये बहुत बड़ा लॉन जिसमें वेल मेंटेन ग्रास और ट्रीज हैं और साथ में है हैमक। हैमक को देखते ही हमें हाथी मेरे साथी का वो गाना याद आ जाता है जिसमें तनुजा और राजेश खन्ना थे। सो लेट्स हियर दिस सॉन्ग। सुन जा आ ठंडी हवा, आहा समझा ए काली घटा, आहा सुन जा आ ठंडी हवा, आहा समझा ए काली घटा, कुछ प्यारी प्यारी बातें। हैमक में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग निकले केवलोसम बीच के लिए। जैसे ही हम रिजॉर्ट से बाहर निकलते हैं वहाँ हम पहुँचते हैं केवलोसम बीच। केवलोसम बीच एक बहुत ही ब्यूटीफुल बीच है। यहाँ बहुत भीड़ भाड़ नहीं रहती है बिकॉज ये बीच रिजॉर्ट्स के एंड में कनेक्टेड है तो आम पब्लिक यहाँ कम आती है। आसपास के रिजॉर्ट्स में जो लोग ठहरे हैं वही लोग ज़्यादा यहाँ आते हैं। हेयर द सैंड इज़ प्योर वाइट और कहीं कहीं बीच में ब्लैक स्टोन्स हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है ब्लैक स्टोन्स एंड वाइट सैंड का। केवलोसम बीच पे बहुत ही अच्छे हाई क्वालिटी शैक्स भी हैं जहां आप लोकल गोवन फूड टेस्ट कर सकते हैं। हमने भी वहां बैठ के फूड लिया, हमारा लंच टाइम था और फिर हम वहीं बैठे रहे तरह तरह के स्नैक्स और ड्रिंक्स ट्राई करते हुए शाम तक। और हमने वहाँ देखा सनसेट। केवलोसम बीच से सनसेट बहुत ही प्यारा लगता है क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत ही वाइड है और आप एंजॉय कर सकते हैं लॉन्ग वॉक ऑन दिस बीच। आप चाहें तो करीब 3 से 3.5 किलोमीटर तक इस बीच पे वॉक कर सकते हैं और ये व्यू मिलता है शाम को जबकि सनसेट हो रहा होता है। दिस इज़ जस्ट ब्यूटिफुल व्यू और आप बहुत ही रिलैक्सिंग वे में बीच पे ही कई घंटे बिता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारे ट्रिप का फर्स्ट डे जो हमने अपने रिजॉर्ट में और रिजॉर्ट से अटैच्ड केवलोसम बीच पे बिताया। दिस वाज वेरी रिलैक्सिंग फॉर द फर्स्ट डे। इसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे सेकेंड डे ऑफ आवर ट्रिप, माई ट्रिप विद माई सन राहिल। Thank you for watching. Wait for the next episode.